हे एवरीवन, पहले KBS और अब नीट, इन दो एग्जाम्स को आपने देखा। अभी हो सकता है कि अभी जो मार्केट में चल रहा है शायद आपको उसके बारे में जानकारी ना हो। अभी नीट का एग्जाम जो कि NTA कंडक्ट करती है उसको लेकर के बहुत बड़ी फैलेसी और एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन गया है कि किस तरीके से रैंक वन पर 720 में से 720 यानी के 67 बच्चों के रैंक वन आए हैं जिन्होंने 720 में से 720 नंबर लिए। बच्चे टैलेंटेड हो सकते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल अभी उठ चुके हैं। और ये वाली जो चीज़ है ना, इस चीज़ को भी राइज देती है कि जो KVS का एग्जाम है जो रिसेंट अभी हमारा हुआ है, इस वाले एग्जाम को भी NTA ने ही कंडक्ट किया था। और KVS का एग्जाम भी उसका जो रिजल्ट था वो भी टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अब तक के सारे इतिहास को देख करके कि 110 से ऊपर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, लेकिन कट ऑफ 135 प्लस चली गई और फाइनल कट ऑफ तो उससे भी ज़्यादा चली गई। उसके बाद जो इंटरव्यूज हुए, जो 135 कट ऑफ थी वो 3 times जो ज़्यादा बच्चे थे उनके थे, क्योंकि 6000 वैकेंसी थी PRT की और 18000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो 18000वें बच्चे का नंबर जो है वो 135 के आसपास था। इतने सारे पेपर लीकेज के मामले रिपोर्ट किए गए और ये भी कहा गया कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर दूर दराज के एरिया में सेंटर को बुक किया गया है और एक ही सेंटर से अधिकतर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन उस समय इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बवाल या शोर नहीं हुआ, काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई, मैंने भी इसके बारे में बात कही थी। लेकिन इस समय बात बहुत बड़ी हो चुकी है क्योंकि अब ये वाला जो मामला है केवल एक रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं है, ये पूरे देश के बच्चों का सवाल है और उसके ऊपर से सभी लोग इसके अंदर लग चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके अंदर आ चुके हैं और इस ये मामला जो है आगे आने वाले समय में तूल पकड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि अब हम कैसी स्थिति में आ गए हैं। अब मैं DSSSB के एग्जामिनेशन में लगातार ये बात कहते रहता हूँ कि अब आप अपनी प्रिपरेशन करो, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 10-12 नंबर आप ऊपर लेके चलो कि अगर पेपर में कोई धांधली या कोई गड़बड़ी हुई तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ओरिजिनल कट ऑफ या जितनी कट ऑफ आनी चाहिए उसके हिसाब से अगर प्लान करके एग्जाम में बैठोगे तो हो सकता है कि सब मामला बैठ जाए। पिछले कुछ दो तीन एग्जाम इस चीज़ के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। रीट में भी एक बार ऐसा हुआ था जब 1000 से ऊपर बच्चों के रीट में एग्जाम 90% से ऊपर आए थे। ये सारी चीजें, ये सारी जो चीजें दिख रही है ना, एक एक पॉइंट, ये चीज का ये एक क्वेश्चन रेज कर रही है कि क्या अब इस देश के अंदर एक एग्जाम भी ठीक से कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 720 ये 67 बच्चे देश में इतने टैलेंटेड नहीं होंगे कि वो 720 नहीं ला सकते। ला सकते होंगे, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है और जो उसकी विश्वसनीयता इतिहास के ऊपर से जो आज की जो चीज सामने दिख रही है उसके ऊपर बहुत सवाल खड़े होते हैं। एक समय में 720 टोटल आउट ऑफ वाले जो नंबर है वो पिछली बार एक या दो बच्चों के आए थे और उससे पिछले साल में तो किसी के भी नहीं आए थे, रैंक वन 715 पे थे। लेकिन इस बार 720 आउट ऑफ 720 आप ये समझिए, मतलब 100% नंबर आए हैं देश के 67 बच्चों के, ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने कुछ दलीलें भी दी है इस चीज़ को लेकर के, नहीं जी ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता। और हमने ऐसे कुछ एग्जामिनेशंस देख लिए हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम के, तो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी कोई भरोसा इस चीज़ के अंदर नहीं हो रहा है। तो नीट को लेकर के जितने भी जो मेडिकल एग्जाम्स चलाते हैं जितने भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, वो इस चीज़ को लेकर के बात आगे बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स भी कोर्ट केस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वक्त है जब हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो #ReNeet वो लोग चाह रहे हैं कि पेपर दोबारा रिकंडक्ट हो। हमारे साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, आगे फिर से दोबारा ऐसा ना हो। अभी NVS का एग्जाम आएगा, वो भी NTA कंडक्ट कराएगी। अभी फिर से दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए एक बार ये बातचीत करनी जरूरी है। तो आप सब भी जितना हो सके, अगर आपके घर में कुछ है तो जो भी हो सके जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए। Mentors 36 का पूरा परिवार, पूरी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि हमारे साथ तो बीत चुकी है लेकिन अब जो हुआ है हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये अब खराब है तो आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा हमारे साथ खराब हो सकता है। तो या तो आप जेब में पैसा रखिए या पढ़ाई कीजिए। पैसा आमतौर पर टीचिंग कैटेगरी में आने वाले लोगों के पास ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन पैसा लग के भी अगर कोई टीचर बन रहा है तो ऐसे टीचर की कोई खास जरूरत नहीं है इस देश को। अब आप देखिए कि कैसे आपको क्या करना है। मुझे तो ये बात अभी 2 दिन पहले से पता चली है, इलेक्शन डेट वाले दिन रिजल्ट इन्होंने इशू कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ताकि बात अंदर दबा दी जाए। लेकिन ये बात इतनी जल्दी दबेगी नहीं क्योंकि ये लगभग सभी बच्चों के भविष्य का सवाल है।
तो आपको इस न्यूज़ के टच में रहिए, जितना आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं आप देखिए, और इसको अपने KVS के एग्जामिनेशन से भी एक बार जरूर जोड़िए। अगर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। खैर, प्रूफ अभी भी किसी चीज़ के नहीं है, लेकिन मन में सवाल तो उत्पन्न होते ही हैं। बाकी अब टेक आपका है, मैं दोबारा नीट के एग्ज़ाम होने को सपोर्ट करता हूँ। आप क्या करते हैं अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।